आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तुरभे स्थित हनुमान नगर में अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के मकसद से वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा विशेष कार्यकर्ता शिविर का आयोजन किया गया, जहां इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करने MIM नवी मुंबई रायगढ़ संपर्क प्रमुख हाजी शाहनवाज खान उपस्थित थे। साथ ही मौजूद थे नवी मुंबई रिपब्लिक सेना के प्रमुख खाजामिया पटेल एवं पदाधिकारी। इस दौरान शेकाप नवी मुंबई के युवा सेना उपाध्यक्ष कलिम शेख ने अपने असंख्य कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी में प्रवेश किया। इस अवसर पर हाजी शाहनवाज खान ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। आज जो मीटिंग का था मकसद था MIM के अंदर पक्ष प्रवेश करने के शेतकरी कामगार के शेतकरी कामगार के कलीम शेख जो आज हमारे साथ MIM के साथ जुड़ गए शेतकरी कामगार से राजीनामा देके, एक तो पक्ष प्रवेश का था और एक कार्यकर्ता को मार्गदर्शन करना था कि नवी मुंबई में आज से फुल फोर्स में काम शुरू हो गया है, तो हर 111 वार्ड के हिसाब से काम होगा। ईद मिलादुन्नबी की तैयारी थी, उसमें भी उनको मार्गदर्शन करना था, तो उस बारे में आज का रखा गया हुआ था। हम लोगों ने प्लानिंग की है कि यहाँ के जो लोग हैं ज़्यादातर या तो नशे के आदि रहते हैं, क्योंकि लोग उनको इस दायरे में से हटा गौर नहीं कर रहे, तो हमने ये फैसला किया कि हम जो करेंगे या ऑफिस खोल के, सिर्फ ऑफिस नहीं खोलेंगे, साथ में वोकेशनल ट्रेनिंग का कोर्स भी रखेंगे। तो उसमें हम कंप्यूटर ट्रेनिंग का हो गया, बहनों के लिए मेहंदी का हो गया, सिलाई का हो गया, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स हो गया, जितने कोर्सेज हो सकते हैं जो लड़के लोग सीख सकते हैं, तो एक महीना, दो महीना, छः महीने के जितने भी कोर्स हो गए वो कोर्स करके सर्टिफिकेट देके उनको MIDC में जॉब देने का काम MIM और वंचित बहुजन आघाड़ी इस ऑफिस खुलने के बाद करेंगे। ब्यूरो इनपुट, EW नेटवर्क।